लॉकडाउन के चलते अनलॉक वन में प्रशासन ने रेत खदानों को भी काफी हद तक राहत प्रदान की। इसका ये नतीजा निकला कि रेत खदान के जितने भी ठेकेदार हैं वो अवैध उत्खनन की ओर अग्रसर हो गए और लगातार अवैध उत्खनन की खबरें आने लगी। मंडला डिंडोरी सीमा पर भी ऐसा नजारा आ रहा है जिसमें लगातार रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे लगातार जो मजदूर हैं वो रेत को निकाल कर नदी से ट्रकों में हाईवे में डाल रहे हैं और लगातार रेत का यहाँ पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। हमारे साथ ग्राम के सरपंच भी मौजूद हैं जिन्होंने बताया है कि जो सीमा है यह मंडला जिला में आती है और यहाँ से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जबकि जो परमिशन मिली है वह डिंडोरी सीमा के लिए मिली है। मैं सरपंच साहब से बात करना चाहूँगा और पूछूंगा कि जो वर्तमान स्थिति है ये कहाँ से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जी अवैध उत्खनन तो हमारे पूरा बेल्ट से चल रहा है, वहाँ से नीचे तक के कितना एरिया है और कितने एकड़ में उसकी जो है वो परिसीमन करवा ले, इसके बाद अपने क्षेत्र में निकाले वो अपने परसा टोला क्षेत्र में बना कर। तो ये कौन सा जिला है जहाँ से अभी वर्तमान में जो रेत की निकासी की जा रही है? अभी निकासी तो मंडला जिला से। जो रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है वो मंडला जिले से किया जा रहा है, क्योंकि ये जो नदी है ये दो भागों में बंटी है, एक मंडला जिले का सीमा है और एक डिंडोरी जिले की सीमा है। तो जो वर्तमान में अभी रेत निकासी की जा रही है वो मंडला जिले से की जा रही है। हमारे साथ ग्राम के एक वरिष्ठ जन मौजूद हैं, उनसे ही बात करना चाहेंगे। आप बताइए कि क्या वर्तमान में स्थिति? वर्तमान में यही स्थिति है कि लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद भी रेत का खनन हो रहा है जो अवैध है। लॉकडाउन समाप्त होगा उसके बाद खनन होगा, ये तो पहले से खनन कर रहे हैं। और ये सीमा हमारे मंडला जिला के अंदर आता है और डिंडोरी जिला तरफ निकासी किया जा रहा है जो गलत है। आप देख सकते हैं पीछे जितने भी यहाँ पर डंपर हैं उनसे लेबरों द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है और रेत की निकासी की जा रही है। इसमें पुलिस का संरक्षण भी देखने को मिला, जहाँ पर पुलिस के कुछ नौजवान और जितने भी यहाँ पर पुलिस अधिकारी थे वहाँ पर खड़े दिखाई दिए और उनकी उपस्थिति में यहाँ पर रेत का उत्खनन होता दिखाई दिया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।